गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल सुपर आइडिया। सुपर आइडियाज में आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। और आज है 5 अप्रैल। उत्तराखंड की बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। तो दोस्तों, अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं और अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड की जाती है उसकी नोटिफिकेशन आप सभी लोगों को मिल सके। अभी समय उत्तराखंड लाइव न्यूज का और ये न्यूज आप लोग के लिए आती है हर रोज सुबह ठीक 7 बजे। सरहदों की हिफाजत करने वालों के लिए सरकार की बड़ी पहल, एक खास हेल्प डेस्क बनाया गया है। उत्तराखंड में अर्धसैनिक बल के जवानों और उनके परिवार की शिकायतों के लिए डिफेंस फोर्सेस हेल्प डेस्क की शुरुआत की गई है। देश की सीमा की सुरक्षा के लिए अपने घर से दूर तैनात और अर्धसैनिक बलों के परिवारों की सुरक्षा और शिकायतों के निराकरण के लिए हेल्प डेस्क काम करेगा। साथ ही जनपद प्रभारी मासिक रूप से इसकी समीक्षा भी करेंगे। पुलिस द्वारा 94 11 11 27 80 हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है। इस नंबर पर कॉल के साथ ही व्हाट्सएप के माध्यम से भी शिकायत दर्ज की जा सकेगी। डीजीपी अशोक कुमार ने कहा कि प्रदेश में जवान अपने परिवार से दूर सीमाओं और दूरस्थ क्षेत्र पर अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हैं। परिजनों की मदद के लिए यह हेल्प डेस्क बनाया जा रहा है। खुद मुख्यालय स्तर से इसका पर्यवेक्षण भी किया जाएगा। उत्तराखंड में 12 घंटे में 8 जगहों पर जंगल में लगी आग 4.75 हेक्टेयर वन क्षेत्रों को पहुंचा नुकसान। उत्तराखंड में रविवार को 12 घंटों में 8 स्थानों पर जंगल में आग लगी है। गढ़वाल में 7 और कुमाऊं में 1 जगह जंगल में आग लगी। इस दौरान करीब 4.25 हेक्टेयर वन संपदा को नुकसान पहुंचा है, जबकि 10,000 रुपए से अधिक की आर्थिक क्षति का आकलन किया गया है। मुख्य वन संरक्षक वनाग्नि एवं आपदा प्रबंधन निशांत वर्मा ने बताया कि रविवार को गढ़वाल में आरक्षित वन क्षेत्र में आग की 7 और कुमाऊं में 1 घटना सामने आई। कुल 8 घटनाओं में 4.75 हेक्टेयर वन क्षेत्र को नुकसान पहुंचा है। दिल्ली पहुंचकर पीएम मोदी का आभार व्यक्त करेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। तो उत्तराखंड चुनाव 2022 में बीजेपी ने जीत हासिल की, जिसके बाद पुष्कर सिंह धामी को सीएम पद पर बैठाया गया। आज सोमवार की शाम को सीएम पुष्कर सिंह धामी अपने दिल्ली के दौरे पर गए और दिल्ली पहुंचकर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चुनाव में जीत के योगदान के लिए धन्यवाद दिया। इसके साथ ही केंद्रीय मंत्रियों से भी मुलाकात की। सीएम धामी दिल्ली के लिए सोमवार को शाम को रवाना हुए थे। उत्तराखंड में जल्द ऑनलाइन होगा सचिवालय का काम। तो सचिवालय वो जगह है जो उत्तराखंड सरकार के सभी कामों को जमीन पर उतारता है। नई सरकार के गठन के साथ ही अब इसके कामकाज में पारदर्शिता लाने की शुरुआत की गई है। इसके तहत जल्द ही सचिवालय के सभी कामकाज को ऑनलाइन कर दिया जाएगा। इससे यहाँ का काम पेपरलेस हो जाएगा, जिससे कागजों पर होने वाले खर्चे से मुक्ति मिलेगी और फाइलों का अंबार भी खत्म हो जाएगा। मुख्य सचिव के आदेशों के बाद इस पर काम भी शुरू हो गया है। उत्तराखंड में देहरादून की 78 वर्षीय बुजुर्ग ने राहुल गांधी के नाम की अपनी सारी संपत्ति। तो देहरादून निवासी 78 वर्षीय बुजुर्ग पुष्पा मुंजियाल पुत्री मेघराज निवासी प्रेमधाम 25 नेहरू रोड डालनवाला ने अपनी सारी संपत्ति का मालिकाना हक कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष सांसद राहुल गांधी के नाम कर दिया है। पुष्पा मुंजियाल ने इसके पीछे खास वजह बताई है। सोमवार को महानगर अध्यक्ष लालचंद शर्मा ने कहा कि राहुल गांधी के नाम अपनी संपत्ति का वसीयतनामा पूर्व प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह को उनके यमुना कॉलोनी स्थित आवास पर सौंपते हुए सुश्री पुष्पा मुंजियाल ने कहा कि वह राहुल गांधी के विचारों से अत्यधिक प्रभावित है। उनका कहना है कि गांधी परिवार ने आजादी से लेकर आज तक आगे बढ़कर देश के लिए सर्वोच्च कुर्बानी दी है, चाहे फिर वो इंदिरा गांधी हो या राजीव गांधी। उत्तराखंड में मिली अब तक की सबसे विशाल गुफा। अंदर शिवलिंग पर टपक रही है पानी की बूंदे। शैल पर्वत क्षेत्र की गुफाओं वाली घाटी गंगोली हाट में प्रसिद्ध सिद्ध पीठ हाट कालिका मंदिर से लगभग 1 किलोमीटर दूर 8 तल वाली विशाल गुफा मिली है। गुफा के भीतर चट्टानों में विभिन्न पौराणिक चित्र उभरे हुए हैं। शिवलिंग पर चट्टान की तरफ से पानी भी गिर रहा है। इस गुफा को 4 स्थानीय युवाओं ने खोजा है और महाकालेश्वर नाम दिया है। माना जा रहा है कि यह प्रसिद्ध पाताल भुवनेश्वर गुफा से भी बड़ी हो सकती है। ऐसे कैसे होगा उत्तराखंड विकास? अफसरों ने दबाए निवेशकों के 12 करोड़ रुपए। उरेडा के अफसरों ने निवेशकों की 12 करोड़ की सब्सिडी दबा दी है। केंद्र सरकार पिछले साल 28 अक्टूबर को सब्सिडी का बजट राज्य को दे चुकी है, लेकिन अभी तक निवेशकों को यह राशि नहीं दी गई। हैरानी की बात है कि अफसर निवेशकों को न मिल रहे हैं और न ही सब्सिडी की जानकारी दी जा रही है। इससे निवेशकों के बैंक करप्ट होने का खतरा पैदा हो गया है।
एचआईवी संक्रमित महिला ने नाबालिग भतीजे संग बनाए संबंध, पॉक्सो का केस दर्ज किया गया है। तो उधमसिंह नगर जिले के रुद्रपुर में सनसनीखेज मामला सामने आया है। महिला ने अपने 15 साल के नाबालिग भतीजे को बहला फुसला कर उसके साथ संबंध बना लिए, लेकिन जब नाबालिग को पता चला कि चाची एचआईवी पॉजिटिव है तो उसके पैरों तले से जमीन खिसक गई। उसे घर वालों से पूरी बात बताई, जिसके बाद सर्वजनों ने महिला के खिलाफ तहरीर देकर मुकदमा दर्ज कराया है। सर्वजनों ने महिला पर किशोर की जिंदगी खराब करने का आरोप लगाया है। उत्तराखंड में कोरोना केसेस की बात करें तो 2 जिलों में 7 नए संक्रमित मिले हैं। प्रदेश में 187 सक्रिय मरीजों का इलाज चल रहा है। तो 24 घंटों के भीतर 2 जिलों में 7 नए केसेस मिले हैं, जबकि 11 मरीज ठीक हो गए हैं। देहरादून में जमीन दिलाने के नाम पर 1.5 करोड़ रुपए ठगे। लाडपुर में जमीन दिलाने के नाम पर एक महिला ने 2 व्यक्तियों से 1.5 करोड़ रुपए की ठगी की है। रायपुर थाना पुलिस ने आरोपित महिला के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। लाडपुर निवासी संजय नेगी ने बताया कि लक्ष्मी रोड देहरादून निवासी कुमोद डी वैद्य वर्तमान निवासी सूरज बालकेश्वर रोड मुंबई ने उनसे उनके साथी मनु मित्तल से संपर्क कर लाडपुर में 36 बीघा जमीन बेचने की बात कही। 21 सितंबर 2017 को जमीन का सौदा तय हुआ। इसके बाद संजय नेगी ने विभिन्न किश्तों में 1 करोड़ और मनु मित्तल ने 50 लाख रुपए चेक के माध्यम से आरोपित को दिए। टीरी और पौड़ी को जोड़ने वाला ऐतिहासिक लक्ष्मण झूला अब बंद हो चुका है, आवाजाही पर रोक लगी है। तो उत्तराखंड के ऋषिकेश स्थित टीरी और पौड़ी के बीच बने विश्व प्रसिद्ध और ऐतिहासिक लक्ष्मण झूला पुल पर चलने का सपना अब शायद ही किसी का पूरा होगा, क्योंकि अब इसके सपोर्टिंग तार टूटने की वजह से लक्ष्मण झूला पुल पर आवाजाही को प्रतिबंध कर दिया गया है। इसका लक्ष्मण झूला का समय पूरा होने के बाद हालांकि प्रशासन ने किसी और को कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्टर को लक्ष्मण झूला को दोबारा से बनाने का कॉन्ट्रैक्ट दिया था, लेकिन वो किसी कारण से अभी तक शुरू नहीं हो पाया था और जो इसके चलते हुए रास्ते पर बंद भी कर दिया गया था। लेकिन आम लोगों की परेशानियों को देखते हुए लक्ष्मण झूले को एक बार फिर से चालू किया गया था, लेकिन अब सपोर्टिंग तार टूटने की वजह से इसको फिर से बंद कर दिया गया है। तो यदि दोस्तों उत्तराखंड से जुड़ी कुछ खास खबरें, इसी तरीके से हर खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही आप हमें फॉलो कर सकते हैं सोशल मीडिया पर, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है।